हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीस किचन एंड ब्लॉग। आज मैं फिर हाजिर हूँ, आप सबका बहुत बहुत वेलकम। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा है और जिन्होंने नहीं किया फिर भी मेरे कंटेंट को देख रहे हैं उनका भी वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े, जो कि बहुत ही स्पेशल रमज़ान स्पेशल दही बड़े होंगे। तो इस रमज़ान में आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए, और इसको आप चाहिए तो फ्रिज़ करके भी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने उड़द की दाल को रात भर भिंगो दिया है और उसको अच्छे से पीस लिया। पीसने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही फ़ाइन होना चाहिए। जो भी आप ग्राइंड करोगे, इस टेक्स्चर में ग्राइंड बिल्कुल ही नहीं करना, आपको बिल्कुल ही फाइन पेस्ट में ग्राइंड करना, लाइक दिस। तो जितना ही फाइन होगा उतना ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। अगर दरदरा पिसा होगा तो उसकी सॉफ्टनेस में उसका ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो चलिए हाथों में हल्का, हाथों को गीला करते हैं और थोड़ा थोड़ा बैटर लेके बीच में स्टफिंग के लिए मैंने किशमिश ली है। आप चाहे तो किशमिश डाल सकते हो, चाहे चिरौंजी डाल लो, चाहे छोटा सा काजू का पीस भी डाल सकते हो। अगर आपके पास चीज़ या कॉटेज जिसको पनीर कहते हैं वो भी चाहो तो आप स्टफिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ किशमिश को स्टफिंग करके छोटे छोटे से ऐसे राउंड बॉल बना के मैंने इनको फ्राई कर लिया है और फटाफट फ्राई करा है। और देखिए, बस मैं फटाफट करे जा रही हूँ मैंने स्टफिंग के लिए किशमिश, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे घर में सबको किशमिश बहुत पसंद है। तो इसको धीमी आँच पर आपको फ्राई करना है। पहले ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, फिर आपको फ्लेम को धीमा करना है, क्योंकि फ्लेम अगर धीमा रहेगा तभी वो अंदर से पूरी तरह ही कुक होगा। अगर आप हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे करते हो तो ऊपर से वो रेडिश ब्राउनिश सा तल तो जाएगा, पर अंदर से आपका जो उड़द की दाल है वो कच्चा रह जाएगा, और जब आप बाइट लोगे तो आपको कच्चा फ्लेवर फील होगा। तो बस मैंने धीमी आँच पर इसको धीरे धीरे तल लिया है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा राउंड शेप नहीं बनाए, कुछ कुछ राउंड बन गया था, पर मेन तो मुझे ऐसा फील होता है कि दही बड़े की क्वालिटी में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, फ्लेवर होना चाहिए, शेप का कोई मैटर नहीं करता है। तो बस मैंने फटाफट फ्राई कर लिया है और इसको साइड में मैंने थोड़ा सा लाइट ल्यूकमम वाटर ले रखा है उसको सोक करने के लिए। तो हाँ, जैसे हम फ्राई करके निकालते हैं, देखिए मैंने एक आपको बीच से तोड़ के दिखाई, देखिए बिल्कुल ही अंदर से अच्छे से कुक हो रखा है, कुछ भी कच्चापन नहीं है, और देखिए सॉफ्टनेस भी प्रॉपर है। देखिए आप बिना पानी में सोक किए अच्छे से सॉफ्ट है। तो मैंने यहाँ गुनगुना पानी ले रखा है, उसमें मैं अराउंड 10 मिनट ठंडा होने के बाद मैं इसको गुनगुने पानी में डालूंगी। अगर आप तुरंत डालोगे पानी में तो पूरी तरह से बीच का जो हार्ड पार्ट रह जाएगा। तो बस ऐसे कर लिया और भिंगो के छोड़ दिया है थोड़े सॉफ्ट होने के लिए। इधर मैं इमली की चटनी बना रही हूँ विथ गुड़। जी हाँ, ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। गुड़ के साथ मैं इमली की चटनी बनाने वाली हूँ, जो प्रॉपर जो आप चाट की शॉप पर खाते हो, चटपटी चटनी, टैंगी चटनी, वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो बस ये मैंने इमली को अच्छे से सोख कर रखा था और उसको अच्छे से उसकी पल्प को छान लिया, और पानी में अब मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी और गुड़ के साथ अच्छे से इसको, गुड़ को जब तक मेल्ट हो जाए तब तक मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी। अगर आपको लगेगा कि कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिक है तो आप इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हो। अब इन्हें मसालों में मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पिसे मसालों में मैं क्या क्या डालती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, चाट मसाला पाउडर है, सौंफ पाउडर है, सौंठ जो पाउडर होता है वो है, काला नमक है, काली मिर्च है, और ज़ीरा भुना हुआ क्रश किया हुआ। तो इनको अच्छे से इसमें ऐड करके इसकी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि अगर आपने पानी ऐड किया है तो वो कच्चापन चला जाए और गुड़ के साथ अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। तो इसका, इस चटनी का फ्लेवर बहुत ही यम्मी आने वाला है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि गुड़ में आपने बना रखा और इसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर जार में इसको आप भर के अच्छे से अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, पूरे रमज़ान में इसका लुफ्त उठा सकते हो। तो देखिए, इसके हर मसाले मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग कर दी है और इसका कलर भी बहुत ही यमी आता है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हम ऐड करते हैं तो इससे थोड़ा सा रेडिश कलर आता है, तो उसका लुक भी अच्छा लगने लगता है, और कुटी हुई लाल मिर्च से थोड़ा सा तीखापन आएगा। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च को आप हटा सकते हैं। इसमें हमने ऐड किया किशमिश, काजू क्रश किए हुए और खरबूजे का बीज, और इसको इसमें ऐड कर दिया। फाइनली जब हमारा चटनी तैयार हो जाएगी तो बस देखिए ये तैयार हो चुकी है और मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब बिल्कुल ही ठंडा हो जाए तो आप ग्लास जार में, आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको फिल करके इसको आप स्टोर कर सकते हो। ये चटनी ऐसी है, यूनिवर्सल चटनी, आप ऐसा नहीं सिर्फ दही बड़े के साथ यूज़ कर सकते हो, आप पकौड़ों के, डिफरेंट टाइप के पकौड़े जो आप बनाते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो
तो देखिए मेरी चटनी तैयार है और मैं इसको ग्लास जार में फिल कर रही हूँ और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2-3 दिन के लिए। तो आप अगर हफ्ते दिन भी रखना चाहते हो तो बाहर भी रख सकते हो, पर अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप रखना चाहते हो तो आपको इसको फ्रिज करना होगा। तो बस वैसे इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है इंग्रेडिएंट जो ख़राब होने वाले, क्योंकि गुड़ है, गुड़ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, ख़राब नहीं होता। तो बाहर भी रखते हो तो भी ख़राब नहीं होगी। तो बस ये मेरी चटनी तैयार है और बहुत ही टैंगी, बहुत ही यम्मी। तो चलिए अब दही बड़े भी तैयार है, अब चलिए उसकी दही के लिए तैयारी करते हो, प्लस उससे पहले बना लेते हैं हरी चटनी। तो हरी चटनी के लिए मैंने पुदीना लिया है और हरी धनिया, पुदीना अराउंड मैंने ज़्यादा लिया है और हरी धनिया थोड़ी कम ली है, और एक हरी मिर्च ली है, क्योंकि हमें ये बहुत तीखी चटनी नहीं चाहिए, हमें बस एक पुदीने और हरी धनिया का फ्लेवर आने वाली चटनी चाहिए। तो बस इसमें हमने ये ऐड किया, उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, सफ़ेद नमक डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करके पीस लिया। तो देखिए ये चटनी का कलर भी बहुत ही अप होने वाला, और रेड और ग्रीन के साथ आप जब दही बड़े को गार्निश करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। तो बस देखिए मैंने काले नमक और नमक के साथ मैंने पीस लिया, ये चटनी तैयार है। अब चलिए दही की तैयारी करते हैं। दही को अच्छे से हमने फेंट लिया है, क्योंकि दही अगर फटी फटी दिखती तो वो दही बड़े में लुक अच्छा नहीं आता। तो बस थोड़ा सा नमक और अच्छी सी चीनी, क्योंकि दही बहुत खट्टी होगी तो दही बड़े का टेस्ट मज़ा नहीं आएगा, दही थोड़ी तो मीठी होनी चाहिए। तो दही को पहले आप टेस्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से रिक्वायर्ड जितना भी चीनी आपको चाहिए उसमें ऐड करके थोड़ा सा ही मीठा फ्लेवर बना दीजिए दही का। तो दही को अच्छे से फेंट लिया है, और अगर दही की थिकनेस तो आपको ज़्यादा लगे तो इसमें आप दूध डालिएगा, पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, दूध डाल के इसकी थिकनेस को थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। अब चलिए दही बड़े को दही के साथ पेश करते हैं खाने के लिए। तो दही बड़े को अच्छे से पानी से मैंने ड्रेन आउट करके स्क्वीज कर लिया, इसका वाटर निकाल लिया है। अब इसके ऊपर दही को अच्छे से डालेंगे, और धीरे धीरे दही डाल लिया है, अब इसके ऊपर चटनी और हरी चटनी की बारी है। तो बस अब लाल चटनी डाला हमने, या फिर उसके बाद इसको हरी चटनी डाला, और फिर थोड़ा सा हम इसको गार्निश करेंगे अनार के दानों के साथ। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भुना हुआ आप उससे भी गार्निश कर सकते हो, काला नमक भी छिड़क सकते हो। तो आप थोड़ा चटपटा बनाना चाहो इसके ऊपर आप तो आओ तो पापड़ी भी डाल सकते हो। तो देखिए तैयार है यम्मी टैंगी हमारे दही बड़े।